हाँ हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फंक्शन देख लिए, फंक्शन का थोड़ा मोड़ा पार्ट देख लिए, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, फंक्शन होता क्या है, और मतलब कि आपका मैं ट्रिग्नोमेट्री बता दिया। अब मुझे नहीं लगता कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आनी चाहिए यदि आप वो दो वीडियो अच्छे से देखे हैं। तो मैं लिमिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लिमिट का क्वेश्चन देखिए, लिमिट का यूज होता है कि किसी फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है उसको पता करने में। तो उसको पहले तो लिमिट सॉल्व करने आने चाहिए, सिंपल सी बात है। पहले लिमिट सॉल्व नहीं करने आएगा तो हम डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस पता ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें लिमिट यूज होता है पता करने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करके सीखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसे सीखेंगे कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को लिमिट सॉल्व करने आना चाहिए, जो मैं इस वीडियो में लिमिट सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग लिमिट को सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए, तो लिमिट पहले डिफाइन कैसे होता है ये देख लीजिए। लिमिट ऐसे डिफाइन होता है, देखिए मैंने बोला लिमिट एस टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ ए, मान लीजिए इसकी वैल्यू आती है बी, सच दैट कैसे आता है वैल्यू, एफ ए माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन है। और एप्सिलॉन क्या है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, एप्सिलॉन जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। तो वो देखिए, हमें यदि आपको समझ में आ गया ये बात तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी आप लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आपको लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई रोकेगा नहीं, और रोक भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो लिमिट के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। ये चीज़ ये लिमिट का मतलब कि चीज़ें बात ये जो मतलब कि जिस तरह से लिमिट को डिफाइन किया गया है, यदि ये चीज़ें नहीं समझ आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सिंपल क्या है, देखिए ये चीज़ें मैं पहले एक काम करते हैं, अच्छे से समझाऊंगा इसके बारे में। पहले लिमिट का क्वेश्चन दो चार सॉल्व करना सीखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो लिमिट सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, देखिए, और ये फार्मूला भी मैं प्रूव करूँगा, लेकिन अभी क्या है कि टाइम नहीं है, वही चीज़। तो चलिए ठीक है, सिंपल एक चीज़ बताइए मेरे को, सिंपल बताइएगा, यदि साइन थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो उसको क्या लिख देते हैं, थीटा लिख देते हैं ना, और टेन थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो उसको क्या लिख देते हैं, थीटा लिख देते हैं, थीटा लिख देते हैं। अच्छा, तो यदि मैं बोलूँ साइन थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो साइन थीटा बाई थीटा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। टेन थीटा बाई थीटा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए, लिमिट कितनी होनी चाहिए, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। थीटा जीरो नहीं होना चाहिए, क्या बोला मैंने, थीटा टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। थीटा टेंडिंग टू जीरो और थीटा जीरो होने में बहुत आसमान जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, मैंने कोई बोला कि एक्स टेंडिंग टू फोर, तो इसका मतलब क्या है, 3.999, एक्स कितना है, 3.999999, लेकिन एक्स इक्वल टू फोर नहीं है, मैंने एक्स इक्वल टू फोर बोला ही नहीं। या फिर आप कह सकते हैं 4.00000000001, ये है, लेकिन फोर है ही नहीं, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। तो जब देखिए क्या टेंडिंग टू जीरो का मतलब उसके आसपास, टेंडिंग टू जीरो का जीरो के आसपास, यदि जीरो के आसपास थीटा की वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। देखिए यही यही है, यही है एक्चुअली में, यही दो फार्मूले हैं आपके, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो और लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो। यदि इस तरह से जो फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है, वन होता है। लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, टेन थीटा बाई थीटा कितना होता है, वन होता है। ठीक है, तो फार्मूला है, छोड़िए इसके बारे में, मैं फार्मूला लिख देता हूँ, आप याद कर लीजिए। ठीक है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, या फिर एक्स कर लेते हैं, हम लोग को एक्स में सभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है, वन होता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, टेन थीटा बाई थीटा कितना होता है, वन होता है। अच्छा, आप अभी सोच रहे होंगे यार ये साइन थीटा बराबर थीटा कैसे लिख दिया गया था। एक काम कीजिएगा, अपना कैलकुलेटर अब उठाइएगा, ठीक है, कैलकुलेटर में डालिएगा साइन 0.01 डिग्री, तो देखिएगा उसकी वैल्यू कितनी आती है, ये लगभग 0.01 के ही बराबर आएगा। यानी थीटा साइन थीटा करें या फिर थीटा डायरेक्ट करें, दोनों बराबर चीज़ है। यानी कि ये थीटा है डायरेक्ट, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा बहुत छोटा होता है तो उसकी जगह साइन थीटा की जगह पर थीटा लिख सकते हैं। देखिए, जैसे कि यदि हम कॉस जीरो, यदि कॉस थीटा इक्वल टू वन होता है, वेन लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि ये जानते हैं कि
ठीक, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? वन होता है, कॉस जीरो की वैल्यू वन होता है। अब देखिए थीटा टेंडिंग टू जीरो, यानी कि थीटा बहुत छोटा होगा, लगभग जीरो के बराबर होगा। यदि जीरो के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू? कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक है, ये सब फालतू की बातें ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू वन होता है। ठीक है, अच्छा ई की पावर एक्स को कैसे एक्सपांड करते हैं ये देख लीजिए आप, क्योंकि शायद जरूरत पड़ जाए। वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर बाई फोर का फैक्टोरियल प्लस डैश 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 डैश। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सपांड होता है। ये तीन फार्मूला आपको जनरली याद रखना, आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला बताया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यदि ये तीन फार्मूला याद रखते हैं तो जनरली आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, और आपको फंक्शन याद होना चाहिए। फंक्शन होता क्या है एक्चुअली में? देखिए एक आपको आज आपका जो फेवरेट है क्यूबी, जिसको आप मतलब जो भी क्यूबी का नाम है, ठीक है, उस क्यूबी में एक क्वेश्चन दिया है। फंक्शन से केवल एक ही क्वेश्चन आ रहा है, मात्र एक क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन है? बहुत ही नहीं है। देखिए आपके क्यूबी में दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, यानी कि वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। कहता है प्रूफ करो, कहता क्या है? प्रूफ करो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो। अभी लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लिमिट का क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व करेंगे, एक फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको एफ, हाँ मैं एल एच एस लेके चलूंगा। एल एच एस में आपको एफ ऑफ एक्स पता है, लेकिन एफ ऑफ वन बाई एक्स आपको पता नहीं है। बहुत सही, तो इसको पता करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, एफ ऑफ वन बाई एक्स पता करते हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा? वन बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वन बाई एक्स की जगह पे क्या कर दीजिए? वन बाई एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर था। एक्स की जगह पे क्या कर देना है? बस एक्स की जगह पे वन बाई एक्स कर देना है, बस इस तरह से। ठीक है, ठीक है, अब देखिए। अच्छा यहाँ पे माइनस है, सॉरी ये माइनस है ना, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वन बाई एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल चीज़ है। ओके, अब हम एल एच एस लेके चलते हैं। एल एच एस, ठीक है, एल एच एस लेके चलेंगे। एल एच एस क्या है? एल एच एस में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, ठीक है, एफ एक्स आपको दिया है, कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एफ वन बाई एक्स आपको निकालना है, कितना है? वन बाई ये कितना हो जाएगा? अच्छा इसको सॉल्व करें, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो कितना हो गया ये? जीरो, जो बराबर किसके है? आर एच एस के बराबर है। सिंपल है ना, एक क्वेश्चन था फंक्शन का, और इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन भी नहीं है, बस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। अब हम जा रहे हैं लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिमिट के क्वेश्चन स्टार्टिंग जो करेंगे ना, बहुत ईजी क्वेश्चन से करेंगे। लिमिट का क्वेश्चन स्टार्टिंग जो करेंगे बहुत ईजी क्वेश्चन से करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन का बोलता हूँ, अच्छा एक चीज़ और, लिमिट जो होता है, लिमिट मान लीजिए लिखा रहेगा एक्स टेंडिंग टू एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ जी प्लस एफ ऑफ टी लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से लिमिट लिखा हुआ है, तो ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे? अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ जी प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ टी, लिमिट क्या हो गया? अंदर मल्टीप्लाई हो गया। यदि यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक है, यदि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड में मल्टीप्लाई, जैसे यदि प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे आई थिंक, मेरे हिसाब से। तो चलिए यदि कोई, जैसे कि इस तरह से लिमिट दिया है, मान लीजिए लिमिट दिया है आपको लिमिट एस टेंडिंग टू ए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए दिया हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए जी और एफ एक्स दिया हुआ है और पी ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पी ऑफ एक्स, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऊपर नीचे। ठीक है, डिवाइड में भी, यदि मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सपोज डेट कि ये यहाँ पे इतना था और ये मल्टीप्लाई में था, पी और एक्स क्या, जी और एक्स और पी ऑफ एक्स क्या है?
आपस में मल्टीप्लाई में है, तो कैसे हो जाएगा ये देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पी ऑफ एक्स, ऐसे हो जाएगा ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी क्या कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा मज़ा आएगा। तो बाबू वाला क्वेश्चन करेंगे, तो बाबू वाला क्वेश्चन ये है आपके सामने, बाबू वाला क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन डी एक्स बाई मान लीजिए ये आपका एक्स है, ठीक है। देखिए आपको क्या पता है, आपको साइन एक्स बाई एक्स और एक्स टेंडिंग टू जीरो है होता है तो आपको पता है कि ये वन होता है, तो पहले आपको उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखिए, ऊपर बी एक्स है, नीचे में बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर में बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बी क्या है, बी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है तो लिमिट के बाहर आ जाएगा, जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है लिमिट के बाहर आ जाता है, तो बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो गया ये बी एक्स। अच्छा एक चीज़ देखिए, यदि एक्स टेंडिंग टू जीरो है और दोनों तरफ बी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी 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 का मल्टी यहाँ करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो बी एक्स टेंडिंग टू जीरो भी हो जाएगा, यानी एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो इसका मतलब ये होता है कि बी एक्स टेंडिंग टू भी जीरो होगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए बी एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ बी एक्स जगह पर पी रख दीजिए तो बी हो जाएगा लिमिट पी टेंडिंग टू जीरो साइन पी डिवाइडेड बाई पी। अब देखिए ये फार्मूला, देखिए ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला सेम है, हाँ सेम है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे पी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वेरिएबल चेंज हुआ है, तो इसका मतलब उसका भी वैल्यू कितनी होगी, वन होगी, जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू वन है, ठीक है। ये तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए आपको दिया हुआ है लिमिट टेन। एक चीज़ और देखिएगा, चाहे ये साइन एक्स बाई एक्स हो या फिर पलट क्या है, एक्स बाई साइन एक्स हो, साइन एक्स बाई एक्स हो या फिर एक्स बाई साइन एक्स हो तो भी वन होता है, थीटा बाई टेन थीटा हो या टेन थीटा बाई थीटा हो तो भी वन होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पलट जाता है तो भी सेम ही होता है, वन ही होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लिमिट लिमिट टेन एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन ए एक्स टेन ए एक्स बाई टेन बी एक्स। देखिए यहाँ पर टेन थीटा बाई थीटा बनाना होगा मेरे को, ठीक है। तो नीचे भी ए एक्स और बी एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक काम करते हैं नीचे ऊपर बी एक्स का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स मल्टीप्लाई बाई बी एक्स डिवाइडेड बाई टेन बी एक्स। देखिए ये एक्स और ये एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो लेकिन बच क्या जाएगा, बी और ए ऊपर आ जाएगा। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे बी का वन बाई बी मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए पहले जैसा बन गया ना, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो सेम उसी तरह से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए क्या है ऊपर में और बी क्या है, ए और बी कॉन्स्टेंट है तो लिमिट के क्या आ जाएगा, बाहर, लिमिट ए और बी नीचे बाहर आ गया। अब देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन ए एक्स बाई ए एक्स, इसको पूरा उठा के रख लिए, ठीक है। फिर से लिमिट मल्टीप्लाई बाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो बी एक्स बाई टेन बी एक्स, ठीक है। चलिए मैंने क्या किया, प्रोडक्ट रूल वाला, लिमिट का प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए यदि ए यहाँ पर ए एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यदि एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो ए एक्स भी टेंडिंग टू जीरो होगा, बी एक्स टेंडिंग टू रहे तो बी एक्स टेंडिंग टू भी जीरो होगा, ठीक है। तो इसको ए बाई बी इसी तरह से रहने दीजिए। अब देखिए ए एक्स की जगह पे हर जगह पे ए एक्स की जगह पे पी रख दीजिए या फिर क्यू रख दीजिए, जो आपको मन है वो रख लीजिए। लिमिट लिख दीजिएगा वहाँ पे क्वेश्चन, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ये रख रहे हैं, नहीं तो आज भी नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ए एक्स की जगह पे क्या रख रहे हैं, मान लीजिए पी रख रहे हैं, तो पी टेंडिंग टू जीरो तो टेन पी बाई पी, लिमिट बी एक्स की जगह पे क्यू रख रहे हैं तो क्यू टेंडिंग टू जीरो, और ठीक है ये वाला जगह है ना, ठीक है। तो यहाँ से बी एक्स जगह पर क्या रख जाएगा, क्यू बाई टेन क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको देखिए और इसको देखिए, चाहे इसकी वैल्यू वन है
अब कोस वन है क्योंकि मैं बोला था थीटा बाई टेन थीटा भी होगा तो भी वन होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ए बाई बी, इसकी वैल्यू वन हो गई और इसकी वैल्यू भी वन हो गई, तो कितनी टोटल वैल्यू आ गई, ए बाई बी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं सॉल्व, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके आरजीबी से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं खोजता हूँ, ठीक है। आपके आरजीबी से फर्स्ट सेक्टर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को सोच रहा हूँ कर देता हूँ। आई थिंक इधर चला गया क्वेश्चन यार, किचन मिल नहीं रहा यार, जस्ट अ मिनट, लिखा तो था इधर ही में। वेट 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 वेट, बस और चलिए कोई बात नहीं, किचन नहीं मिल रहा है, मैं अपने से किचन शायद मेरे को याद है। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए लिमिट क्या था, लिमिट था एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू, सॉरी एक्स टेंडिंग टू आई थिंक टू था, ये एक्स माइनस टू था, ठीक है, और ये आपका टू था। देखिए जनरली आप डायरेक्ट उठा के लिमिट मत रख दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसके बाद लिमिट रखते हैं, क्योंकि अब यदि यहाँ पर एक्स टेंडिंग या एक्स यहाँ पर जीरो रख दीजिएगा, टू रख दीजिएगा, तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन जाएगा और जीरो बाई जीरो डिफाइन है नहीं। देखिए यहाँ से आप एक्स इज इक्वल टू टू रखेंगे तो जीरो बाई जीरो आएगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू टू रखेंगे तो टू पाई डिवाइड बाई टू माइनस टू, यानी कि साइन टू पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन 360 की वैल्यू जीरो डिवाइड बाई जीरो, यानी कि ऐसा आ रहा है, यानी कि आप यहाँ से लिमिट आपका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो इसको सोल्यूशन मिलने के लिए पहले इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, आप रखिए x माइनस टू को t, ठीक है, x माइनस टू को t रखेंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x इक्वल टू टी प्लस टू। अच्छा हर वेरिएबल को t के टर्म में यहाँ चेंज करना है, ठीक है, हर x वेरिएबल को t के टर्म में चेंज करना है, t में चेंज करना है। देखिए तो एक्स की जगह पर क्या मतलब कि यदि एक्स टेंडिंग टू टू है, एक्स टेंडिंग टू टू है तो टी टेंडिंग टू ऐसे कर लेते हैं, एक मिनट, कहते हैं टी टेंडिंग टू एक्स माइनस टू, यानी कि टी कितना है टी, अच्छा इसको इक्वल रख लीजिए, ठीक है। अब एक्स टेंडिंग टू टू रखना है तो एक्स टेंडिंग टू टू रखेंगे, यहाँ पर एक्स टू टू माइनस टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू जीरो, यानी कि वेन एक्स टेंडिंग टू टू तो टी टेंडिंग टू कितना हो जाएगा जीरो, एक्स टेंडिंग टू टू, एक्स टेंडिंग टू टू तो टी टेंडिंग टू कितना हो जाएगा जीरो, यहाँ क्या लिख सकते हैं टी टेंडिंग टू जीरो। अच्छा साइन पाई एक्स की वैल्यू देखिए कितना है, टी प्लस टू हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो टू इधर आ जाएगा, चलिए कोई बात नहीं मैं निकाल देता हूँ, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो टी कितना हो जाएगा टू आ जाएगा, तो एक्स की जगह पर कितना रख लेंगे टी प्लस टू, अच्छा एक्स माइनस टू की जगह पर क्या रखना है टी, ठीक है। अब एक काम कीजिए टी पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पाई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक काम करते हैं टू पाई पहले ले लेंगे तो टू पाई प्लस पाई टी, पाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए डिवाइडेड बाई टी, अच्छा पाई यानी कि 180 डिग्री तो टू पाई यानी कि 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 360 इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, 360 रख लीजिए, तो क्या है 360 प्लस थीटा, 360 ये है प्लस थीटा, यानी इस रूम पे आ गए, 360 के अबाउट क्या होता है आपको बताए हैं, 360 के अबाउट डाटा चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन ही रह जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे लिमिट, अच्छा ये टी टेंडिंग टू जीरो था, टी टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। अच्छा ये एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट डाटा चेंज नहीं होता है तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन ही हो जाएगा, क्या यहाँ पर साइन होता है, हाँ ऑल पॉजिटिव होता है तो सब पॉजिटिव के पॉजिटिव रहेंगे तो थीटा का थीटा उतर जाएगा, थीटा कितना है यहाँ पे पाई टी है, थीटा की जगह पे क्या है पाई टी है, ठीक है ओके। इसको सॉल्व करेंगे आगे, देखिए ऊपर नीचे क्या करिए आप, पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है,
ऊपर नीचे क्यू बार क्यू किया, क्योंकि मेरे को इस तरह के फॉर्म बनाना है साइन एक्स बाई एक्स के, तो ऊपर नीचे मैंने पाई का मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए पाई एक कॉन्स्टेंट है, तो पाई क्या हो जाएगा लिमिट की बाहर हो जाएगा, तो लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा आपका देखिए साइन पाई टी बाई पाई टी। अच्छा टी टेंडिंग टू जीरो है तो पाई टी टेंडिंग टू भी जीरो हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो। ठीक है, अब देखिए पाई टी की जगह पे क्या रख लेने हैं हम, पाई टी की जगह पे क्या रख रहे हैं, मान लेते हैं पी रख रहे हैं, तो हर जगह पे पाई टी की जगह पे क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, हर पाई टी की जगह पे कितना हो जाएगा पी हो जाएगा, हर पाई टी की जगह पे कितना हो जाएगा पी हो जाएगा। अब देखिए ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है, तो दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी वैल्यू है इसकी वन, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी वन, तो इसका वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा पाई। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए और किचन कर लेते हैं काम दूठो, किचन कहाँ चला गया समझ नहीं आया, चलिए मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, चलिए हाँ चलिए एक और क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई सॉरी एक्स है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, हाँ तो इसको सॉल्व कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई की पावर एक्स प्लस वन बाई ई की पावर एक्स, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा ये एक्स। देखिए यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो ई की पावर एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिमिट देखिए इतना नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, वैसे आप क्वालिफाई करके आए हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल के आए हैं तो इतना तो पता ही होगा, है ना, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स ई की पावर टू एक्स, यहाँ माइनस था सॉरी, ठीक है, नीचे पावर आता है ये पावर नीचे जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, ई की पावर टू एक्स माइनस वन बाई ई की पावर एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। एक बार आप सॉल्व करके घर में अच्छे से देखिएगा, ठीक है, एक बार घर में अच्छे से सॉल्व करके देखिएगा तो ये आएगा आपका। ठीक है, अब देखिए हमको ई की पावर टू एक्स माइनस वन बाई एक्स ई की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, यानी कि हमको यहाँ भी टू एक्स बनाना पड़ेगा, यहाँ क्योंकि टू एक्स है तो यहाँ भी टू एक्स बनाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए टू क्या है, कॉन्स्टेंट चीज़ है, तो टू क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई की पावर टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स, इसको इसको अलग कर लिए। ठीक है, अब लिमिट रख दीजिए, देखिए इसमें यदि लिमिट जाएगा इसमें लिमिट जाएगा, चलिए अच्छा प्रोडक्ट लगा दीजिए लिमिट का, टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई की पावर टू एक्स माइनस वन बाई टू एक्स मल्टीप्लाई बाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई की पावर एक्स। ठीक है, अब लिमिट रख दीजिए, लिमिट की वैल्यू अब रखेंगे तो जानते हैं कि इसकी वैल्यू, अच्छा ठीक है अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, यहाँ पर यदि एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो टू एक्स टेंडिंग टू भी जीरो होगा। ठीक है, अब टू एक्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं पी रख देते हैं इस वाले में, इसमें क्या रखेंगे हम टू एक्स जगह पे पी रख देंगे। देखिए ये देखिए यहाँ पर भी पी हो जाएगा, यहाँ भी पी हो जाएगा और यहाँ पर भी पी हो जाएगा। अब देखिए ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सेम है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी लिमिट रखने के बाद कितनी आती है वन, यहाँ पर भी लिमिट रखने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी वन, तो टू इंटू वन, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो यानी एक्स के इक्वल टू जीरो रख दीजिए तो वन बाई ई की पावर जीरो, तो कितना हो गया टू इंटू वन इंटू वन, क्योंकि ई किसी की पावर जीरो वन ही होता है, तो कितनी हो जाएगी आंसर टू। ठीक है, इस तरह से लिमिट सॉल्व करते हैं, लेकिन यदि जनरली आप देखिए यदि यहाँ पर आप डायरेक्ट रखते ना, यहाँ पर मान लीजिए आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू रख दिए सॉल्व बिना किए रख दिए, ठीक है सपोज डैट, तो मैंने क्या किया ई की पावर जीरो, देखिए यहाँ पे ई की पावर जीरो माइनस वन बाई ई की पावर जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, तो ये कितना आ जाएगा देखिए वन, यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे तो भी वन आ जाएगा बटे वन जीरो, यानी कि जीरो बाई जीरो। क्या इससे कुछ आपको मिल रहा है, नहीं, पहले लिमिट को पहले ये जो दिया रहता है इसको सॉल्व किया जाता है उसके बाद लिमिट रखी जाती है। ठीक है, समझ आ गया, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है एक्स टेंडिंग टू जीरो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स टेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको पिछले वीडियो में बताया है कि वन माइनस कॉस एक्स कितना होता है, कितना होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और वन प्लस कॉस एक्स कितना होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ रख दीजिए फटाक से, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो
आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट मत कर दीजिएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर से आपको 0/0 का फॉर्म मिलेगा, तो कोई मतलब निकलेगा नहीं वैसे। इसको एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा दोबारा सॉल्व किया जाता है, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आरजीबी में कभी एल हॉस्पिटल रूल लगा देते थे तो नंबर नहीं देगा, काट देगा, क्योंकि जिस लेवल पे आप लोग हैं उस लेवल पे उससे चीज़ों को पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कर दिए, तो यहाँ से कितना हो गया आपका, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin² x/2, तो इसको लिख दीजिए 2 sin² x/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, चलिए इसको एक्स स्क्वायर एक बार रख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, टू कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा 2 sin² x/2। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अच्छा एक्स स्क्वायर है, देखिए हमको क्या करना है, ये देखिए ये होल स्क्वायर है, यहाँ पर sin x/2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी x/2 का होल स्क्वायर बना देंगे तो कुछ ऐसा मिल जाएगा मेरे को। तो x/2 का होल स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर ऊपर था तो नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे यहाँ भी 4 कर दिए, यहाँ भी 4 कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो यहाँ से देखिए इसको रहने दीजिए और ये 4 को बाहर ले लीजिए, ये 2/4 हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, sin x/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी x/2 हो जाएगा क्योंकि ये बाहर चला गया है। देखिए ये भी x/2 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको भी, और यहाँ पर ऊपर में स्क्वायर है, तो देखिए अब देखिए 2/4 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x/2 डिवाइडेड बाई x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आया क्या। चलिए यदि मैं इसको सॉल्व करूँ, और देखिए यहाँ पर लिमिट अप्लाई कीजिए आप, लेकिन अच्छा x/2 यहाँ भी x/2 का है तो यहाँ पर दोनों तरफ से 2 का डिवाइड करेंगे तो भी ये 0 ही रहेगा, तो यानी x/2 टेंडिंग टू 0। अब x/2 की जगह पे आप क्या रख दीजिए, p रख दीजिए, तो ये x/2 की जगह पे क्या रख देना है, हर जगह पे p रख देना है, तो यहाँ पर p टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे p टेंडिंग टू 0 हो, सॉरी p हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कीजिए, लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो sin p/p और लिमिट p टेंडिंग टू 0 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 2/4, यानी कि इसको 1/2 कर सकते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, और इन टू ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, यानी कितना आ रहा है आपका, 1/2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आई थिंक और क्वेश्चन बाद में करेंगे, ये आपका लिमिट था, लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यदि नहीं बनता है तो क्वेश्चन को मेरे को सेंड कीजिए, मेरे को कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आप वैसे मेरे पास क्यूबी है, तो आपको यदि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं क्यूबी में देख लूँगा कि कौन सा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा और मैं सॉल्व करके आपको यहाँ पर फिर से सॉल्व करके भेज दूँगा, लेकिन मेरे को कमेंट चाहिए तब जा करके मैं मतलब कि ये कर पाऊँगा। तो बताइए कैसा लगा वीडियो, और कैसा लगा आपको, मतलब कि चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, थैंक्स।